सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जैसा आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में से देख लिया होगा, तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं भाई वही सोनेट का। भाई आज वो आया फेसलिफ्ट, तो हम देख के आ रहे हैं कि भाई सोनेट का फेसलिफ्ट कैसा आया। और सोनेट का फेसलिफ्ट इवेंट है, मतलब लॉन्चिंग इवेंट है सोनेट का। किया वालों की तरफ से हमें इन्वाइट भी आया था, तो यथार्थ को इन्वाइट आया था। यथार्थ को दिखा दो, साथ पीछे बैठा है, ठीक है भाई। तो ये भी वीडियो बनाएगा और हम जैसे मैं आपको थंबनेल में डाला तो आपको वो दिखा दूंगा कि नई किया सोनेट में क्या क्या आया, तो उसका नया इंजन और उसका लुक वाइज सब दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो अभी तो जा रहे हैं फिलहाल हम रजौरी गार्डन किया के शोरूम, तो वहाँ पता पड़ेगा हमें कि वो गाड़ी कैसी और कैसी नहीं भाई। और लुक तो मैंने जहाँ तक देखे हैं मुझे काफ़ी पसंद आए, तो फिर भाई अब सीधे ना आपको वहीं मिलूंगा मैं और वहीं दिखाते हैं आपको किया के शोरूम पे जाके कि वो गाड़ी कैसी है। और आप भी बताना आपको किया का फेसलिफ्ट कैसा लगा। वीडियो के एंड में जब कंक्लूजन करूंगा तब आप सब अपने कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो अब चलते हैं किया के शोरूम। तो भाई ये रही हमारी ऑल न्यू किया सोनेट 2024। तो भाई जो इसका लुक है आगे से आप देख लो, इसके जो न्यू TRS शेप दे दिए इन्होंने, ये थोड़ी थोड़ी XUV 300 की याद दिलाती है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा ऊपर से आते हो थोड़ा नीचे की तरफ आता था। तो भाई ये भी वो दोनों के थोड़ा सिमिलर सा ही है तो लगभग सेम भी है। और इसका भाई पियानो फिनिश, जो उसका ग्रिल है देखो भाई कितनी शाइन मार रही है और कितनी अच्छी लग रही है, मतलब इनका जो लुक है ना भाई कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। और देखो ये रहा इसका 360 कैमरा। और भाई इसमें अब एडास भी ऐड हो चुका है, जिसका एडास का सेंसर देखो ये रहा भाई। और मैं बताऊँ जो इसकी लुक है ना भाई पूरी, वो ना हर किसी पे मैटर भी करता है कि किसको कैसे लुक अच्छी पसंद आएगी। जैसे ऑलमोस्ट देखो बढ़िया लगती है किया के जो फेस लिफ्ट आते हैं ना उनके, मतलब सिंपल से रहते हैं, पिछले से रिलेटेड रहते हैं हमेशा, तो उनका कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंस आता नहीं है। वैसे फेस लिफ्ट है, जनरेशन चेंज नहीं है भाई, ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ऑल ओवर जो उसकी लुक दिखी जाए ना काफ़ी अच्छी लगी मुझे तो फिलहाल। वो आप बताना आपको कैसी लगी। इसके एलॉयज का डिज़ाइन देख लो कुछ ऐसा है, एलॉयज का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और भाई अब चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ, बैक प्रोफाइल में क्या चेंज किया गया है। तो वही किया सोनेट, किया सेल्टॉस और किया केयरेंस तीनों एक जैसी हो चुकी है, तीनों का डिज़ाइन वही है। तो सोनेट की बैचिंग यहाँ दे दी गई है। ये अपना वेरिएंट है टर्बो वाला GT वेरिएंट, और ये 1 लीटर टर्बो के साथ आता है। और साइड से भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे किया वगैरह में ना, तो सेम सही है, किया ने अपनी हर गाड़ी में ऐसा ही दे दिया, ठीक है। ये भी अच्छा लगता है वैसे, लेकिन थोड़ा कुछ बदलते ना और सही लगता। और भाई ये रहा इसका बैक ग्लास का लुक, इसमें वाइपर और इसका डिफॉगर दोनों दे रखे हैं इसमें। तो इसके साइड पैनल पे आते हैं तो इसकी डुअल टोन आती है ब्लैक एंड रेड के कॉम्बो की तरफ, भाई सही लगती है इसकी लुक। और इसमें अपोलो का टायर दिया गया है, और जिसकी मैं आपको साइज बताऊं तो भाई साइज देख लो 215/60R16, तो इसकी टायर की प्रोफाइल है 16 इंच का भाई इसमें रिम दिया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो देख लो आप थोड़ा सही से। तो भाई अब आते हैं इसकी गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी के ऊपर तो एक शार्फिंग एंटीना है जो पूरा ब्लैक में, ऑब्वियसली ब्लैक में आएगा क्योंकि ब्लैक रूफ है इसकी पूरी। और ये रही इसके रूफ रेल जो पूरे ब्लैक में है। और ये टॉप मॉडल है तो भाई क्रोम की गार्निश पूरी दे रखी पीछे, और दोनों साइड मिरर के नीचे 360 कैमरा के लिए भाई कैमरे दिए गए हैं ताकि पूरा 360 व्यू मिल पाए कार का। और भाई इसमें दो चीज़ मेनली ऐड करेगी, ये 360 कैमरा और इसका एडास, ठीक है, दो चीज़ मेन है इसमें जो हाईलाइट करने वाली है, एडास और 360 कैमरा। तो भाई ये चाबी है इसकी, यहाँ से लॉक, और ये अनलॉक, और ये है बूट का। तो भाई इसका बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, जो 350 लीटर का बूट स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस है। और एक इसमें लैंप भी दिया गया है साइड में, और इसमें पार्शियल ट्रे भी है। और यहाँ से इसका भाई रिक्वेस्ट सेंसर और ये ग्रैब हैंडल, तो इसको नीचे कर सकते हैं इससे हम। तो भाई बूट स्पेस तो काफ़ी सही था इसका, बात देखते हैं। और इसका ये रिक्वेस्ट सेंसर, ये लॉक हो गई यहाँ से, इंडिकेटर बंद हो जाते हैं ऐसे खोलेंगे, नॉर्मल वही पुरानी वाली चीज़ें सारी है ना। तो अब आते हैं गाड़ी के अंदर, ये रख देते हैं चाबी यहाँ पे। सीट है भाई इसकी इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सीट है, तो पहले पीछे करते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद दे भाई इंटीरियर देख लो। इंटीरियर में कुछ खास चेंज है, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको शायद चेंज किया गया है। ये भाई चल गई, तो ये इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज किया गया है। इसमें 220 तक मार्किंग दे रखी है, और बैटरी का सब दिखा रहा है, सीट बेल्ट रिमाइंडर दिखा रहा है सारे चारों के पीछे के पीछे के हर जगह के, ठीक है। और ये इसकी जो सेल्टॉस वाली जो डिस्प्ले है ना उससे रिलेटेड है, और भाई ये बहुत स्मूथ है, देखियो भाई कितनी स्मूथ है। और इसका भाई DCT गेयरबॉक्स है 1 लीटर के साथ है ना,
और इसका जो आम रस आ जाता है ये जो इसमें स्पेस है बहुत थोड़ा सा और एक ग्लव बॉक्स आ गया और यहाँ पे भाई बोस के स्पीकर आ गए और ट्विटर आ गए ठीक है और ये ऑटोमेटिक आरबीएम और इसकी छोटी सी सनरूफ और इसकी जो पूरी जो रूफ है ना इसकी पूरी ब्लैक की गई है जैसे ना सेल्टोस में और उस टाइप का थोड़ा इसका बेज कलर का इंटीरियर है और इसमें देखो पैडल शिफ्टर भी है ना ठीक है ये पैडल शिफ्टर डीसीटी भाई ये डीसीटी है इसमें पार्किंग हो गया और रिवर्स हो गया न्यूट्रल हो गया और डी माइनस हो गया ठीक है और यहाँ पे पूरी इसकी इसकी क्लस्टर दिखाती रहेगी और इसके जो एसी वेंट्स हैं और पूरा ग्लॉस दे रखा है यहाँ से पूरा ग्लॉस ट्रीटमेंट ठीक है भाई और भाई कुछ खास तो है नहीं इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और देते थे है अबे ये भी सही है ठीक है भाई और सनरूफ का इसका पूरा ब्लाइंड शेड ऐसा है इसका और इसकी लाइट देख लो भाई इसकी लाइट हैलोजन ही है एलईडी नहीं दी गई है और ये है सनग्लास होल्डर ठीक है तो ये देखिए और भाई यहाँ पे वायरलेस फोन का चार्जिंग का है ठीक है और ये यूएसबी और ये 12 वोल्ट का सॉकेट और ये टाइप सी का चार्जर है ना और उसमें ड्राइव मोड भी दे रखे हैं इसमें और वेंटिलेटेड सीट भी है देखो वेंटिलेटेड सीट मेरी और ये इसकी थर्ड वाली और ये क्या है ट्रैक्शन का बटन भाई देखो यहाँ दे रखा है ड्राइव मोड यहाँ दे रखे हैं और ये कौन सा है ये भाई ये है पूरा 360 व्यू इसमें पूरा 360 व्यू आ जाता है जो कि यहाँ पे कैमरा है एक यहाँ पे कैमरा है तो उसको पूरा व्यू मिल जाता है देखो ऐसे कुछ देख रहे हो सोनेट हाँ पूरा सोनेट दिखा रखा है और व्हाइट कलर की लेकिन है ये रेड लेकिन कोई बात नहीं और भाई इसमें ना जैसे कि सोनेट में जो नया क्या आया इसके जो DRLs है वो चीज इन्होंने चेंज कर दी है और कुछ एक्स्ट्रा कुछ चेंज आया नहीं है और इसमें एक चीज और आई है ADAS इसमें ADAS भी आ गया भाई देखो ये रहा दिखाऊं धूप पड़ रही है ADAS ये रहा ADAS यहाँ पे तुम कंट्रोल कर सकते हो इसका यहाँ क्रूज कंट्रोल ये सब सारी चीज यहाँ पे दे गई है और यहाँ पे तुम इसके वॉइस कमांड वगैरह जो तुम कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे किया का लोगो और वही इसकी ठीक है इसका हॉर्न है तो और इसका स्टेरिंग जो रैप है स्टेरिंग का जो कवर है बहुत प्यारा बहुत फिनिशिंग बहुत सही लग रही है जिसकी ये स्टिचिंग दे रखे हैं वाइट से इसकी सीट कवरिंग कुछ ऐसी है ठीक है इससे रिलेटेड दे रखी है इन लोगों ने तो काफ़ी अच्छी लग रही है तो बंद कर लो इसका और इसका AC ये रहा भाई AC का ब्लोअर देखो यहाँ से तुम चालू कम कर सकते हो AC चालू हो गया इसके यहाँ से ठीक है तो AC का कंट्रोल थोड़ा अलग से दिया इस बार लेकिन ये सही लग रहा है वैसे ना हाँ थोड़ी अलग सी इंटीरियर बना रखे इन्होंने कि AC वेंट यहाँ पे वरना नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ पे दिए होते हैं यहाँ दिए होते हैं और यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे AC वेंट दे रखा है इन लोगों ने ठीक है तो और क्या क्या इसमें और ये बटन देख लो भाई सारे देख लो ये बटन इसमें दिख जाएगा तुम्हें ये ऑटो ऑफ का सिस्टम जिस गाड़ी रुकती है हेडलाइट पे अपना चालू हो जाए ट्रैक्शन का बटन पार्किंग और ये हेडलाइट कंट्रोलर ये इंजन स्टार्ट शो बटन और भाई इसमें SOS बटन भी दीजिएगा इसमें जो किया और किया कनेक्ट का भी सिस्टम है ठीक है और भाई सारे से कंट्रोलर है यहाँ पे तुम विंडो लॉक कर सकते हो चारों पावर विंडो और ये अनलॉक लॉक ठीक है और ये इसके आरईवीएन के सारे बटन ये रे जिसके यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं देखो हाँ बोले हाँ ये सब कंट्रोल हो रहा है इससे ठीक है तो अब चलते हैं बैक स्पेस की तरफ कि बैक स्पेस में क्या है इसके मिला तो भाई ये है पीछे का डैशबोर्ड का लुक ठीक है हम पीछे से आगे का लुक देख रहे हैं तो कुछ ऐसा लगता है तो काफी प्रीमियम लगती है गाड़ी लेकिन भाई इसमें एक ड्रॉबैक ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं काफी मेरे पैर लंबे है ना मैं 6 फुट का तो हूँ बंदा ठीक है तो मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर रखी थी तो उसके हिसाब से ना देखो यहाँ नीरू में कुछ है ही नहीं बचा ही नहीं देखो पूरा खत्म ही हो गया मैं कैसे बैठा हूँ जरा आप देखो थाई स्पोर्ट ओके सा है और इसमें यहाँ पे टाइप सी दोनों मिल गई और ये पीछे का ब्लोअर यहाँ मिल रहा है ठीक है और यहाँ पे सनशेड मिल जाते हैं भाई जैसे सीट में ये देखो तुम्हें आफ्टर मार्केट जरूरत नहीं है ये मिल जाएगा लेकिन चलान की भाई कुछ पका नहीं चलान कटेगा नहीं कटेगा तो पीछे कुछ केबिन ऐसा है और पीछे का 3 बंदे तो बैठ जाएंगे लेकिन दो बंदे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं इनके पैर छोटे होंगे और जो 6-6 फुट से कम होंगे और इसमें थोड़ा सामान रख लो और पीछे ज्यादा है नहीं और यहाँ पावर विंडो ठीक है तो अब चलते हैं दोबारा से आगे और भाई इसका एक बार DRL का लुक देखना तो मैं दिखाता हूँ कैसे लग रही है जरा इसकी एक बार DRL ऑन कर लूँ मैं तो अब चलते हैं बाहर इसकी DRL ऑन हो चुकी है तो भाई इसका DRL का लुक कुछ ऐसा है जैसे मैंने बताया था ना SUV 300 की तरह थोड़ा सा जैसे कि उसका नीचे को आता है DRLs की शेप थोड़ा कट्स एंड फ्लिक्स जो होते हैं ना थोड़ा स्टाइलिश वाला लुक तो उसका वो दिया गया जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है अट्रैक्टिव भी लगता है काफ़ी देखने में तो भाई यही है कुछ इसका लुक तो भाई मुझे तो इसकी DRLs काफ़ी पसंद आ रही है तो आपको बताना इसको आपको लुक कैसे लगा पहले का ज़्यादा अच्छा था देखो मैंने इसकी ब्राइटनेस लो कर रहा हूँ तो कैमरा कैसे फ्लिक मार रहा है देख रहे हो तुम
लेफ्ट की बंद लग रही, लेकिन है सबके चालू, लेकिन लग रहा है उस कैमरे में चालू नहीं है। वो पता नहीं होता होगा कुछ कैमरे में डिफरेंस, लेकिन कोई बात नहीं। तो वापस से गाड़ी के अंदर आते हैं, तो भाई देखो ये जीटी का लोगो जो काफी सुंदर होता है स्टीयरिंग पे। तो भाई गाड़ी तो कुछ अंदर से आपने सब देख ही लिया, मैक्सिमम सब दिखाई दिया, और ये 1 लीटर वाला है भाई ये। तो अब इसका चलो ऑडियो टेस्ट और करते हैं, ठीक है, ऑडियो टेस्ट करते हैं इसका साउंड सिस्टम कैसा है। देखो तो भाइयों जैसा आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, ठीक है, तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। फिलहाल तो मैंने जो आपको सारी नॉलेज दी उसके बारे में, इंस्ट्रक्शन दी उस गाड़ी के बारे में, तो भाई उसमें ना मैं बताऊँ ना, जैसे कि गाड़ी ना सही है, ओवरऑल देखा जाए गाड़ी तो एक अच्छी है, लेकिन उसका अभी ना वो नहीं आया, प्राइस नहीं आया, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि ओवर प्राइस है या फिर क्या, वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। देखो जैसे लास्ट टाइम मैं ब्रेजा लेने गया था ना, तो ब्रेजा एक ना सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो सोनेट वगैरह और वेन्यू वगैरह रेंज की आती है, लेकिन ना ब्रेजा ना मुझे काफ़ी बड़ी लगी। इससे जैसे मैंने तो बताया नी रूम वगैरह स्पेस कितना कम आ रहा था, लेकिन उसमें फीचर्स ज़्यादा है, जैसे एडास आ गया, 360 कैमरा था उसमें भी आता है, एडास नहीं आता उस मारुति में, 1 लीटर टर्बो इंजन है उसका, डीसीटी जो है इसका, तो काफ़ी चीज़ अच्छी होती है, वेंटिलेटेड सीट वगैरह, तो मारुति सुजुकी वो चीज़ नहीं देती है, तो ये दे रही थी तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और आप लोग चलो बताना इसको कि आपको कैसी लगी, इसके प्राइस आते हैं तो फिर और डिस्कशन करते हैं कि उसके बारे में फिर क्या रहेगा। और लुक वाइज तो अच्छी थी गाड़ी, वैसे लुक मुझे अच्छा लगा गाड़ी का, रेड कलर भी सही लग रहा था, और ब्लैक वगैरह में और व्हाइट वगैरह में पता ही आपको हर कोई गाड़ी बढ़िया लगती है। तो भाई यही थी आज की वीडियो, आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना जो भी आपकी क्वायरीज हो। तो अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।